नमस्कार, मैं मंगल। वेलकम टू मंगल की रेसिपी डॉट कॉम। आज हम देखेंगे चिवड़ा, पतला पोहा चिवड़ा होता है वो देखेंगे। इंस्टेंट बनता है और कभी भी हम बना सकते हैं, सिर्फ दिवाली में ही नहीं, कभी भी बना सकते हैं हम। आइए, इसके लिए हम क्या चाहिए देखते हैं। इसके लिए चाहिए हमें पतला पोहा। ये जो पोहा होता है एकदम पतला होता है वो चाहिए। वो 500 ग्राम लिया है हमने और उसके लिए 250 ग्राम से पीनट है, 100 ग्राम कोकोनट है, इसको ड्राई कोकोनट है श्रेड में किया हुआ, 50 ग्राम पाउडर शुगर है, गार्लिक 8 से 10 कलियाँ हमने बारीक की हुई है, ग्रीन चिली जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से, करी पत्ता लीव्स, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, टर्मरिक पाउडर हमें लगभग 2 छोटे चम्मच लगेंगे, मस्टर्ड सीड्स 1 चम्मच और 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स है। अब आइए बनाते हैं हम चिवड़ा। हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है, इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, मसल से क्रैक होने देंगे, क्यूमिन सीड्स डालेंगे, सब क्रैक होने देंगे, गार्लिक थोड़ा सा, गार्लिक थोड़ा सा लाल होने देंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे इसे, करी पत्ता लीव्स, पीनट डालेंगे इसमें आप और इसे अच्छा कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। गार्लिक और करी पत्ता लीव्स डालने की वजह से ग्रीन चिली की और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। पीनट हमारे क्रैकल होने लगे हैं, इसमें डालेंगे हम ये जो कोकोनट हमने लंबे में काटे हैं, इन्हें भी अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये फ्राई होंगे। पीनट भी अच्छे से हमारे क्रैकल होने लगेंगे और ये जो पोहा जो हमने लिया है हमने इसे अच्छे से धूप में सेक लिया है ताकि वो कुरकुरा पोहा जो हम जब डालते हैं तब वो श्रिंक हो जाता है, वैसे मुड़ जाता है और वैसे ही कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए हमें। पतला पोहा है वो ऐसे ही लंबा होना रहना चाहिए, इसलिए हमने पहले धूप में सेक लिया है और फिर इसको ये करेंगे। आप भी एक आध दिन धूप में सेक लेंगे तो बहुत अच्छा पोहा बनेगा। इसमें हम ये तड़का लगाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि पोहा टूट न जाए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि पीला कलर हर तरफ आ जाए हल्दी का।
इसमें डालेंगे हम पाउडर शुगर और नमक, फिर से मिक्स करेंगे। और 5 मिनट बाद हम फिर से इसे मिक्स करेंगे ताकि कलर अच्छे से आ जाए पूरे पोहा को। फिर से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तैयार है हमारा चिवड़ा, तैयार है हमारा चिवड़ा। देखिए पोहा भी बहुत अच्छे से खिल के आया है। और आप ज़रूर देखिए ये रेसिपी मेरी mangalkirecipe.com पर, और आप भी बनाइए चिवड़ा और कैसा हुआ है बताइए मुझे, ज़रूर बताइए। और मेरी और भी रेसिपी देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।